वेलकम टू विद्या की जर्नी। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने वाले, जो रीतिकाल और आधुनिक काल से बनने वाले बहुत सारे प्रश्नों को लेके इस ऑडियो में आए हैं, तो आप इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा और सुनते सुनते आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, आपके स्कोर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रीतिकाल और आधुनिक काल से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इस ऑडियो में लेके आए हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, कौन सा अलंकार पर आधारित ग्रंथ है? तो कवि प्रिया है, केशव दास का कवि प्रिया जो अलंकार आधारित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मेरी भवभाधा हरो राधा नागर शो, ये किसका दोहा है? तो बिहारी का दोहा है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो केशव दास हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो केशव दास हैं। नेक्स्ट है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। नेक्स्ट है, रीतिकाल का वह कवि जो अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है वो कौन सा कवि है? तो सेनापति हैं। रीतिकाल के जो सेनापति हैं वो अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट है, कवित्त रत्नावली के रचयिता कौन है? तो सेनापति हैं। जो कवित्त रत्नावली है, ये इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सेनापति। नेक्स्ट है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध कवि हैं, जो केशव दास हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम बताइए? तो शिवा बावनी के जो रचयिता हैं वो हैं भूषण। नेक्स्ट है, ललित ललाम के रचनाकार हैं मतिराम, जो ललित ललाम हैं उसके रचनाकार हैं मतिराम। नेक्स्ट है, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, देव कौन माने जाते हैं? तो रसवादी आचार्य माने जाते हैं देव। नेक्स्ट है, बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? तो बिहारी को रीति सिद्ध कवियों में माना जाता है, रीति सिद्ध कवि माना जाता है किसको? बिहारी को। रीत के कवि जो रसलीन का ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो अंग दर्पण रसलीन का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, इश्कनामा काव्य है किसका? तो ये बोधा का काव्य है, इश्कनामा काव्य बोधा का है। नेक्स्ट है, प्रबोध पचास के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध पचास के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। नेक्स्ट है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण के जो रचयिता हैं वो हैं जसवंत सिंह। नेक्स्ट है, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है क्या? तो रीतिकालीन जो काव्य है उसकी मुख्य प्रवृत्ति रही है सिंगारिता। नेक्स्ट है, सत्सया के दोहरे ज्यो नामक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, बरवे नायिका भेद रचना है किसकी? तो रहीम की है। जो बरवे नायिका भेद रचना है वो रहीम जी की है। नेक्स्ट है, काव्य निर्णय की रचना की किसने? तो भिखारी दास ने की। बिल्कुल सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये सारे प्रश्न बहुत आसान लगेंगे आपको, और आप एक बार ऑडियो सुन के या फिर से आप सुन लीजिए, और उसको फिर से सुनने के बाद आप फिर कभी भूलेंगे नहीं, सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं वो केशव दास हैं। और अगर यह ऑडियो और वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे वीडियो बन गए हैं जो बिल्कुल सारे एनसीईआरटी बेस प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। घनानंद की काव्य, नेक्स्ट है, घनानंद के काव्य की भाषा थी कौन सी भाषा थी? तो ब्रजभाषा थी। जो घनानंद की काव्य भाषा थी वो ब्रजभाषा थी। नेक्स्ट है, काव्य रसायन की रचयिता हैं, तो काव्य रसायन की जो रचयिता हैं वो हैं देव। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवर की धार पै धामनो है, पक्ति किसकी है? तो बोधा जी की है, बोधा की है। नेक्स्ट है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है किसने? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्व प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक की गुलदस्ता कहा किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है।
किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो रसलीन की है, ये पंक्ति रसलीन की है। अक्सर पंक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए, सारे पंक्ति बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, पंक्ति है रसलीन की। नेक्स्ट है, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो रस पीयूष के जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य सोमनाथ। आचार्य सोमनाथ रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, ऋतुवर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं सेनापति। ये सारे रीति काल के प्रश्न हैं, तो रीति काल से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इस ऑडियो में लिखे आए हैं, तो आप ज़रूर सारे सुनिए, और आपको कैसे लगे तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्ष्मण ग्रंथ का नाम है भाषाभूषण। जो लक्ष्मण ग्रंथ का नाम है वो क्या नाम है? तो भाषाभूषण नाम है। और किसके द्वारा रचित है? तो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्ष्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो भाषाभूषण। नेक्स्ट है, रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि है। जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो कौन है? तो बिहारी हैं। नेक्स्ट है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है किसको? तो चिंतामणि को माना है, चिंतामणि को माना है। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल का नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जगत विनोद रचना किसकी है? तो पद्माकर की है। जो जगत विनोद रचना है वो पद्माकर जी की है। नेक्स्ट है, कोकाशार रचना किसकी है? तो ये घनानंद जी की है। नेक्स्ट है, बोधा का असली नाम था, जो बोधा थे उनका असली नाम क्या था? तो बुद्धिसेन था। जो बोधा का असली नाम था वो बुद्धिसेन था। नेक्स्ट है, श्रृंगार तलिका श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचयिता है द्विजदेव। द्विजदेव श्रृंगार लतिका के रचयिता है। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका के रचना का समय जो है वो क्या है? तो 1601 ईस्वी में है। 1601 ईस्वी रामचंद्रिका का रचना समय है। नेक्स्ट है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषाभूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? जो महाराज जसवंत सिंह थे वो भाषाभूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की थी। नेक्स्ट है, रीतिमुक्त कवि नहीं है कौन? जो रीतिमुक्त कवि नहीं है वो है सेनापति। नेक्स्ट है, रीति काल को अलंकृत काल कहा है किसने? तो मिश्र बंधु ने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। नेक्स्ट है, युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो युक्ति तरंगिणी के जो रचनाकार हैं वो हैं कुलपत मिश्र। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था केशव को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य किसको कहा था? तो केशव दास को कहा था। नेक्स्ट है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट है, कालिदास हजारा की रचना की किसने? तो कालिदास ने की। कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की। नेक्स्ट है, सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। सुजान सागर के जो लेखक हैं वो हैं घनानंद। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? तो टीकाकार हैं आनंदीलाल शर्मा। नेक्स्ट है, फिर से सुनिए, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गई, वो टीकाकार जो हैं वो हैं आनंदीलाल शर्मा। नेक्स्ट है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट है, विरह बारिश रचना किसकी है? तो ये बोधा की रचना है, बोधा की रचना है। नेक्स्ट है, भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषाभूषण के जो रचनाकार हैं वो जसवंत सिंह हैं। नेक्स्ट है, जाति विलास के रचयिता हैं कौन? तो देव हैं। जाति विलास के जो रचयिता हैं वो देव हैं। नेक्स्ट है, छंदों का अजायब घर कहा गया है किसको? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जगहों पे पूछा गया है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो ये रामचंद्रिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। भिखारी दास की रचना क्या है? तो काव्य निर्णय है। नेक्स्ट है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं।
तो प्रमुख जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो काव्य निर्णय है। नेक्स्ट है, देव कवि कहाँ के निवासी थे? तो इटावा के निवासी थे देव कवि। नेक्स्ट है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो ब्रज भाषा में है। जो घनानंद की कृतियाँ हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई में दोहे हैं कितने? तो 719 दोहे हैं। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण के रचयिता है भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो भूषण है। नेक्स्ट है, महाकवि भूषण की रचना है? तो महाकवि जो भूषण थे उनकी रचना है छत्रसाल दशक। नेक्स्ट है, वह कवि जिसकी कविता में सुजान शब्द का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है वो कौन है? तो वह घनानंद है। घनानंद के सुजान शब्द का प्रयोग, जो घनानंद है उनकी कविता में सुजान शब्द का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है किस चीज़ का? तो अलंकार का विवेचन मिलता है। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन किसका मिलता है? तो अलंकार का। नेक्स्ट है, रीतकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो संस्कृत का। नेक्स्ट है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पद्माकर है। नेक्स्ट है, अंग दर्पण रचना किस कवि की है? तो रसलेन की है। अंग दर्पण जो रचना है वो रसलेन की रचना है। नेक्स्ट है, शकुंतला नाटक रचना है नेमाज की। शकुंतला नाटक रचना किसकी है? तो नेमाज की है। नेक्स्ट है, बृंद सतसई की विषय वस्तु है क्या? तो नीति। बृंद सतसई की जो विषय वस्तु है वो है नीति। नेक्स्ट है, चिंतामणि की रचना है तो कवि कुल कल्पत तरु। चिंतामणि की रचना क्या है? कवि कुल कल्पत तरु। नेक्स्ट है, देव कवि की रचना है भाव विलास। देव कवि की जो रचना है वो है भाव विलास। नेक्स्ट है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के जो रचनाकार हैं वो है लाल कवि। नेक्स्ट है, वह आचार्य कवि जिसकी कृति विज्ञान गीता है वो कौन सी है? तो केशवदास हैं। वह आचार्य कवि जिसकी कृति विज्ञान गीता है वो कौन है? तो केशवदास हैं। नेक्स्ट है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो सुजान चरित के जो रचयिता हैं वो है सूदन। नेक्स्ट है, रीतकाल को कलाकाल कहा है किसने? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। फिर से सुनिए, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। नेक्स्ट है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवजी और दूसरे थे छत्रसाल। पहले थे शिवजी और दूसरे कौन थे? तो छत्रसाल थे। नेक्स्ट है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास है। जो शतरंज शतिका के कृति के रचनाकार हैं वो हैं भिखारी दास। नेक्स्ट है, भूषण का वास्तविक नाम था? तो घनश्याम नाम था। भूषण का जो वास्तविक नाम था वो घनश्याम था। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है किसने? तो रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट है, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं? जो जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। नेक्स्ट है, रीतकाल को अलंकृत काल कहा है किसने? तो मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। नेक्स्ट है, रीतकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया वो कौन है? तो बिहारी। रीतकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से जो हिंदी साहित्य में अमर हो गया वो कौन है? तो बिहारी है। नेक्स्ट है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं? जो सुजान विनोद के रचनाकार हैं वो हैं देव। नेक्स्ट है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? तो कृष्णचरित है चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य। नेक्स्ट है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो रीतिमुक्त कवि हैं। घनानंद जो हैं वो रीतिमुक्त कवि हैं। नेक्स्ट है, भूषण के ग्रंथों में अलंकृत निरूपण है शिवराज भूषण का। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है शिवराज भूषण। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है क्या? तो शिवराज भूषण। नेक्स्ट है, मतिराम की भाषा है कौन सी भाषा है? तो साहित्यिक ब्रजभाषा है। मतिराम की जो भाषा है वो है साहित्यिक ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो ये घनानंद है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है घनानंद। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा जरूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट है, माधव नल, जो माधवा नल हैं
माधवा नल काम कंदला रचना किसकी है तो ये आलम की है। माधवा नल काम कंदला रचना किसकी है तो ये आलम जी की है। नेक्स्ट है रसवादी कवि हैं कौन तो देव हैं, रसवादी कवि देव हैं। नेक्स्ट है मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है जगत विनोद की रचना की है किसने तो पद्माकर ने की है जगत विनोद की रचना। नेक्स्ट है काव्य विवेक के रचनाकार कौन है तो चिंतामणि है, काव्य विवेक के जो रचनाकार हैं वो चिंतामणि हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है किसने, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है पद्माकर की रचना है जगत विनोद पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट है रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्र का है फुटकर कविताओं का संग्रह, किसके अनुसार फिर से सुनिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है तो फुटकर कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट है रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। केशवदास की रचना है जहाँ गिरजस चंद्रिका, केशवदास की जो रचना है वो है जहाँ गिरजस चंद्रिका। द्विज द्वे किस परंपरा के कवि हैं तो रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं द्विज देव। किस परंपरा के कवि हैं तो ये रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। नेक्स्ट है रसिक प्रिया रचना है किसकी तो केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। नेक्स्ट है घनानंद को काव्य कृति नहीं है तो श्रृंगार शिक्षा, घनानंद की काव्य कृति नहीं है श्रृंगार शिक्षा। नेक्स्ट है राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे तो दरबारी कवि जो थे वो बिहारी थे। नेक्स्ट है ग्वाल किस काल के कवि हैं, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं तो ये रीति काल के कवि हैं ग्वाल कवि। फ्रेंड्स ये रहे रीति काल से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न, अब हम आधुनिक काल से बनने वाले प्रश्नों पर लेके चलते हैं, तो आप पूरा ज़रूर बने रहें, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो आधुनिक काल में भारतीय युग है उससे बनने वाले प्रश्न, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे तो बाबू तोताराम थे। फिर से सुनिए, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे कौन तो वह बाबू तोताराम थे। नेक्स्ट है हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है किसको तो भारतेंदु युग को कहा जाता है, हिंदी पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता है उसके रचयिता कौन है तो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। नेक्स्ट है भारतीय युग का एक अन्य नाम है क्या तो पुनर्जागरण काल, भारतीय युग का दूसरा नाम पुनर्जागरण काल है। नेक्स्ट है भारत भारती के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट है वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था वह कौन थे तो प्रताप नारायण मिश्र थे। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था वो कौन थे तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट है भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है वह कौन सी है तो प्रात शमीरन है, भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है कौन सी है तो प्रात शमीरन है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है तो वो बाला बोधनी है, जो सही नाम है वो बाला बोधनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। नेक्स्ट है ये कहाँ से संपादित होती है इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी में हरिश्चंद मैगजीन की स्थापना की किसने तो भारतेंदु जी ने की, हरिश्चंद मैगजीन की स्थापना किसने की तो भारतेंदु जी ने की और वो 1873 ईस्वी में की। नेक्स्ट है भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं तो श्रीनिवास दास हैं, जो भारतेंदु युग के नाटककार हैं वो श्रीनिवास दास हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु जी ने संपादन किया किस चीज़ का
तो जो भारतेंदु हरिश्चंद थे उन्होंने संपादन किया कव्य वचन सुधा पत्रिका का, और ये पत्रिका कहाँ से संपादित होती है इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल पे पत्रिकाओं के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, सारी पत्रिकाओं के वीडियो बन चुके हैं और आपको सारे जो पत्रिका और पत्र पत्रिका है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें क्योंकि बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, आपको बहुत अच्छे से आसान तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या पूर्ति, जो समस्या पूर्ति विशेषता है वो किसकी है, तो भारतेंदु युग की है, भारतेंदु युग की समस्या पूर्ति विशेषता है। नेक्स्ट है भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है, तो ब्रजभाषा में की है। भारतेंदु ने अधिकतर जो ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की है। नेक्स्ट है हिंदी के लेखक जिसको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है वो कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था वो कौन था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट है बकरी बिलाप काव्य कृति किसकी है, तो बकरी बिलाप जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है बकरी बिलाप। भारतेंदु युग से बनने वाले ये कुछ प्रश्न रहे, और अब द्विवेदी युग से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो समालोचन, जो समालोचना दर्श के शीर्षक से एम से ऑन क्रिस्टिसिज्म का अनुवाद किया किसने, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। नेक्स्ट है हरियोद के प्रिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 17 सर्ग हैं, जो प्रिप्रवास में 17 सर्ग हैं, और प्रिप्रवास किसकी रचना है, तो हरियोद की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना है प्रिप्रवास। नेक्स्ट है प्रेम शतक के रचनाकार हैं, जो प्रेम शतक है उसके रचनाकार कौन है, तो वियोगी हरिहंस, प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरिहंस। नेक्स्ट है नूर जहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, तो गुरु भक्त सिंह हैं, नूर जहाँ प्रबंधन जो प्रबंध काव्य के रचयिता हैं वो हैं गुरु भक्त सिंह। नेक्स्ट है वह कवि जिसके साथ रत्नाकर शब्द जुड़ा है वो कौन है, तो जगन्नाथ रत्नाकर। रत्नाकर शब्द किससे जुड़ा है, तो जगन्नाथ से जुड़ा है। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ की कृति टेवलर का अनुवाद किया है किसने, तो श्रीधर पाठक ने किया है। नेक्स्ट है त्रिशूल उपनाम है किसका, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह का त्रिशूल उपनाम है। बहुत ध्यान से सुनिए, त्रिशूल उपनाम किसका है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह का उपनाम त्रिशूल है। नेक्स्ट है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है, तो सत्यनारायण कविरत्न है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि जो हैं वो कौन है, तो सत्यनारायण कविरत्न है। नेक्स्ट है उद्धव शतक में कितने छंद हैं, तो उद्धव शतक में जो छंद हैं वो 116 छंद हैं। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं कौन, तो श्रीधर पाठक हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है भ्रमरदूत, भ्रमरदूत जगन्नाथ दास की रत्नाकर की रचना नहीं है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य प्रबंध काव्य है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है कौन, किसका काव्य है, ये श्याम नारायण पांडे का, जो हल्दी घाटी वीर रस का प्रधान प्रबंधन काव्य है, जो प्रबंध काव्य है, और ये किसकी रचना है, हल्दी घाटी किसकी रचना है, तो श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। नेक्स्ट है सत्सयकार कवि हैं वो कौन है, तो वियोगी हरि हैं, सत्सयकार कवि हैं वियोगी हरि। नेक्स्ट है ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ कब, तो 1912 ईस्वी में हुआ। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं, और वन लाइनर प्रश्न ही बहुविकल्पीय होकर हमारे सामने आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप बहुत अच्छे से सुनिए और लास्ट तक बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।
भारत भारतीय काव्य भाषा का प्रकाशन हुआ कब? तो 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त यशोधरा की विधा है क्या? चंपू है। जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी कृति क्या है? यशोधरा है। और यशोधरा किस विधा की रचना है? तो चंपू काव्य है, ये चंपू है। नेक्स्ट है, जकी उपनाम तखल्लुस से प्रसिद्ध हिंदी कवि को उर्दू में गज़लें लिखता था वह कौन था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है कौन सा? तो उद्धव शतक है। उद्धव शतक है डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य। नेक्स्ट है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का जो केंद्र था वो था कानपुर। नेक्स्ट है, कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी किसको? तो कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। नेक्स्ट है, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा हेटजेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किया किसने? तो श्रीधर पाठक ने किया। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? तो मुकुटधर पांडे ने किया। नेक्स्ट है, वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की एक कह इसकी वंदना की है कौन किए हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है किसको? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है किसने? तो डॉक्टर नरेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है। फिर से सुनिए, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का वह कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं वो कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जिन्होंने अपनी सारी रचनाओं को ब्रजभाषा में किया है। नेक्स्ट है, जयद्रथ वध रचना है किसकी? तो जयद्रथ वध जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट है, काव्य मंजूषा की रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है उनका प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं क्या? तो सामंजस्यवादी कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो हैं सामंजस्यवादी कवि। नेक्स्ट है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी में ही ऋतु संहार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक हैं। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो द्विवेदी युग जो नाम पड़ा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है किसको? तो श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता क्या है? तो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक है। जो द्विवेदी युग की कविता है वो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो जागरण सुधार काल है। द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। नेक्स्ट है, राजपूती आन की कथा है क्या? रंग में भंग। राजपूती आन की कथा है रंग में भंग। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ व्रत जो वध है वो क्या है? तो खंड काव्य है। नेक्स्ट है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म स्थान है वो है चिरगांव। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय नेक्स्ट है, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है वैदेही वनवास के
लेखक। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं कौन, तो मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार कौन माने जाते हैं, तो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। नेक्स्ट है रस कलश की रचना किसने की, रस कलश की रचना की ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। नवम सर्ग है जो साकेत का नवां सर्ग क्या है, सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के लिखित काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं कौन, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, तो राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है किसान के रचनाकार कौन है, तो किसान के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। किसान के रचनाकार कौन है, किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट है साकेत में सर्ग कितने हैं, तो साकेत में जो सर्ग हैं वो 12 सर्ग हैं। साकेत में सर्ग कितने हैं, 12 सर्ग हैं। नेक्स्ट है भारत भारती किसकी रचना है, जो भारत और भारती है, भारत भारती रचना है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये रहे आधुनिक काल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो यहाँ आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो सारे बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देखें, पूरा सुनें, और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।